वेल, करीना कपूर ने जस्टिस एमएस भट्टी की जेरे निगरानी अपनी किताब दी प्रेगनेंसी बाइबल के बारे में क्रिश्चियन ब्रादरी से माफ़ी मांग ली। करीना ने अपनी किताब में लिखा कि मैं कभी भी किसी ब्रादरी को नुकसान पहुंचाना या किसी के मज़हब के बारे में बात करना या उनके ख़िलाफ़ बात करना नहीं चाहती थी। मेरा इरादा नेक था। मैं जैसे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी परेशान थी। जब उनकी पहली प्रेगनेंसी हुई तो वो उनके लिए बिल्कुल कठिन नहीं थी, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी उनके लिए उतनी ही ज़्यादा मुश्किल रही। अपने जिस्म में किए गए उतार चढ़ाव के बारे में करीना ने अपनी किताब दी प्रेगनेंसी बाइबल लिख डाली और ये किताब उन्होंने पब्लिश भी कर डाली। लेकिन जैसे ही करीना ने ये किताब पब्लिश की तो वहाँ पे मौजूद क्रिश्चियन ब्रादरी में से एक क्रिस्टोफर एंथनी नामी इंसान ने बाकायदा हाई कोर्ट में करीना के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और करीना की गिरफ्तारी के बारे में बात की। लेकिन करीना ने हाल ही में अपना जवाब दर्ज करवाया है। करीना ने बोला कि प्रेगनेंसी उनके लिए काफ़ी मुश्किल थी। करण जौहर के प्रोग्राम में भी उन्होंने अपनी किताब का जिक्र किया था। उन्होंने बोला कि वो क्रिश्चियन ब्रादरी या किसी भी ब्रादरी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। उनका मकसद नेक था। उनके लिए किताब उनके तीसरे बच्चे की तरह है, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ कैरियर बनाना बेहद डिफिकल्ट था और ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी किताब में लिख डाली थी। उनका किताब लिखने का मकसद बिल्कुल क्रिश्चियन ब्रादरी के खिलाफ कोई बात करना नहीं था। वेल, करीना के इस जवाब के बारे में आपका क्या ख्याल है अपने कमेंट सेक्शन में बताने। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।